हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेपाल अगर इंडियन स्टेट होता तो क्या होता। उसी तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ईस्टर्न इंडियन लोकेशन पर स्थित बांग्लादेश अचानक इंडिया में शामिल होकर इंडियन स्टेट बन जाए तो क्या होगा। बांग्लादेश अपने कंट्री डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन स्टेट्स की लिस्ट में कहाँ लाए करेगा। बांग्लादेश के इंडिया में शामिल होने पर इंडिया को क्या फायदे होंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं। चैनल पर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, फिलहाल बांग्लादेश इंडिया का नेबरिंग कंट्री है जिसका ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जो साउथ एशिया में स्थित है। यह दुनिया का 8th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जो नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट में इंडिया से और साउथ में बे ऑफ बंगाल से बाउंडेड है, और यह एक टाइम पर इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। तो गाइस, अगर सडन एज इंडियन स्टेट बांग्लादेश इंडिया में मर्ज हो जाता है तो देखते हैं क्या होगा। तो बांग्लादेश अगर इंडिया का स्टेट बना तो इसका नेम बांग्लादेश से चेंज हो जाएगा, मे बी ईस्ट बंगाल या फिर कुछ और। बांग्लादेश के इंडियन स्टेट बनते ही इंडियन स्टेट्स का नंबर 28 से 29 हो जाएगा, एंड मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपको इंडिया में कुछ नई यूनियन टेरिटरीज नजर आए। बांग्लादेश टोटली 1,48,460 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है, जो वर्ल्ड की 93rd नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है। अगर यह इंडियन स्टेट होता तो यह इंडिया का 9th लार्जेस्ट स्टेट होता इन टर्म्स ऑफ एरिया, जिसका साइज इंडिया के उड़ीसा स्टेट से छोटा और छत्तीसगढ़ से बड़ा होता। इसके बाद बांग्लादेश की आबादी 2023 में 17 करोड़ की है, जो इसे दुनिया का 8th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट बनाती है। एज द इंडियन स्टेट बांग्लादेश की पॉपुलेशन रैंक होगी 2nd, हेड ऑफ महाराष्ट्र एंड जस्ट बिहाइंड ऑफ उत्तर प्रदेश, एट 1,305 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी के साथ यह इंडिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट भी होगा। बांग्लादेश की नेशनल कैपिटल ढाका इसकी स्टेट कैपिटल एंड इंडिया की 3rd इम्पोर्टेंट सिटी बन जाएगी, और बांग्लादेश के सभी शहर इंडिया में गिने जाएंगे। बांग्लादेश में भी स्टेट गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, जिससे इंडिया की लोकसभा और राज्यसभा सीटों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इंडिया में बांग्लादेश के सभी डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद इंडिया में 830 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। साथ ही बांग्लादेश की सभी नदियाँ, सभी लोग और सभी टूरिस्ट स्पॉट्स इंडिया के नाम से आइडेंटिफाई होंगे। बांग्लादेश का सारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के पास होगा। इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया को काफी बड़ा एडवांटेज मिलेगा। बांग्लादेश के इंडिया में शामिल होते ही इंडिया की GDP $3.9 trillion से $4.36 trillion की हो जाएगी, जर्मनी की GDP से थोड़ा सा कम। बांग्लादेश की GDP $460 billion की है, जो कि इंडिया का 2nd वेल्थिएस्ट स्टेट होता आफ्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड बिफोर ऑफ तमिलनाडु। एज वेल एज बांग्लादेश का पर कैपिटा 2,621 US dollars का है, और पर कैपिटा वाइज यह इंडिया का लो एंड मीडियम GDP पर कैपिटा वाला स्टेट होता। दोस्तों, अगर बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा बनता है तो यहाँ की ऑफिशियल एंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज तो बंगला ही होगी, साथ ही सबसे बड़ा धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश के इंडिया में शामिल होते ही इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश भी बन जाएगा। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 73.6% है, जिसकी रैंक इंडिया में 26 होती, एंड बांग्लादेश इंडिया का मीडियम HDI रखने वाला स्टेट होता। अगर बांग्लादेश इंडिया का स्टेट बनता है तो इसकी सारी मिलिट्री पावर इंडिया में मर्ज हो जाएगी। इंडिया के एरिया में 4.5% का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें इंडिया को बे ऑफ बंगाल में कुछ दूसरे पोर्ट्स एंड कोस्टल एडवांटेज भी मिलेगा। साथ ही पॉपुलेशन में 12% जबकि GDP में 11.7% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, यह थी बांग्लादेश के इंडियन स्टेट बनने की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।